बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब साहिब, जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब मेरा साहेब। सब काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कौतुक ये है, क्या ये ब्रह्मांड यथार्थ में काल पुरुष के अधीन है क्या? हाँ। जो आप ये सुन रहे हैं कि भक्ति एक ही बात है, नहीं साहब, यहाँ डिफरेंस बोल रहे हैं थोड़ा। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाग निरंजन सेवा, सिद्ध साधक जोगी जत्ती, आगे खोज न पाए रत्ती, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, काल निरंजन सबको दलिया। पहली बात ये कह रहे हैं साहब कि ये पूरा ब्रह्मांड काल पुरुष की निराकार निरंजन जानो। साहब कह रहे हैं पुरुष नाम सो गुप्त मान। साहब जी ने निरंजन को काल पुरुष कहा। इसी निरंजन के कई पर्यायवाची शब्द हैं, निराकार आदि कई शब्दों से जाना जाता है। साहब कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में काल पुरुष का राज्य है और सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। इसलिए कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए सभी काल पुरुष की भक्ति किए। काल पुरुष सबने ही जाना, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाग काल ही की सेवा, ये उसकी सेवा कर। इसलिए चार वेदों की उत्पत्ति भी निराकार से हुई है। अब गुरु ने, साहेब ने गुरुत्व के लिए क्यों कहा? क्योंकि साहेब समीपी संत है, संत समीपी साहेबा, इसलिए सदगुरु जो कहा वही सांचा। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है कर्तारा, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तोहे राग भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई, तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है कर्तारा। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड काल पुरुष की उपासना तक ही लगा है। मैंने आपको याद होगा इस बात को पहले भी कहा था, राष्ट्रपति रीगन के पीए एलेक्जेंडर ने एक चौंकाने वाली बात कही थी, वो वर्ष का महावाक्य कहलाया। मुझे यूं लगता है कि हम सब धरती पर रहने वाले लोग शैतानी ताकत के हाथ में हैं। इसका मतलब है हम सबका संचालन एक शैतानी ताकत कर रही है। हम सब ईश्वर के अधीन नहीं हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कह रहे नहीं, हमारी हम सब शैतानी ताकत के हाथ में है, पर दुनिया तो कह रही हम सब भगवान के हाथ में है। नहीं नहीं, साहब भी कह रहे हैं नहीं, सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। यहां बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। एलेक्जेंडर कह रहा है हम सब धरती पर रहने वाले लोग किसी शैतानी ताकत के हाथ में है, वो जो भी चाहती है हम सबसे कराती है, उसमें इतनी ताकत है कि हम सबका धरती पर रहने वाले लोगों का ध्यान एक ही दिमाग एक ही टाइम पर घुमा करके जिस तरफ भी चाहे डाइवर्ट कर सकती है, मोड़ सकती है।
इतनी ताकत है उस शक्ति में, सिर्फ एक आदमी का दिमाग नहीं खराब कर सकती है वो ताकत, धरती पर जितने भी लोग हैं सबका एक ही साथ में दिमाग डाइवर्ट कर सकती है। चाहे तो सब बेईमान हो जाएंगे, चाहे तो सभी ईमानदार हो जाएंगे, चाहे तो सभी छल कपट करने लगेंगे, उसमें इतनी ताकत है कि हम सब धरती पर रहने वाले सभी लोगों का दिमाग एक ही साथ डाइवर्ट कर सकते हैं। और मुझे यूं लगता है वो ताकत हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है। वाह, ये महावाक्य कहलाया। एलेक्जेंडर ने ये बात बोली, इसको कबीर साहब भी कह रहे हैं, सयाद के काबू में हैं सब जीव बिचारे। ये समस्त जीव शैतानी ताकत के हाथ में है। और क्या बोल रहे हैं, जो रक्षक तह चिन्हत नाई, जो भक्षक तह ध्यान लगाई, गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा, ये सब लाग निरंजन सेवा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। ज्ञान प्रकाश संवाद में साहब ने काल पुरुष पर एक बात कही, थोड़ा उस पर ध्यान दें। कह रहे हैं किस तरह से ये सभी जीव काल पुरुष की उपासना में लगे हैं, बड़ा साफ साफ बोला साहब ने, बड़ा सहज बोला। तीन लोग जो काल सतावे ताको सब जग ध्यान लगावे। कह रहे हैं जो काल पुरुष इस तीन लोग में सबको जन्म मरण के बंधन में रखा हुआ है, सभी उसी का ध्यान कर रहे हैं। कबीर साहब ने यथार्थ में भक्ति क्रांति को सृजित किया, सबके समीकरण चेंज कर दिए। निराकार जय वेद बखाने, सोई काल कोई भेद न जाने। कह रहे हैं जिसको निराकार परमात्मा कहा जा रहा है वही काल है। वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, क्योंकि निरंजन के अवतार थे, साफ कहा, हे अर्जुन सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा मैं हूँ, जुआड़ियों में जुआ मैं हूँ, शूरवीरों में शूरवीर मैं हूँ, दानियों में महादानी भी मैं हूँ, कालों में महाकाल भी मैं हूँ। तीन लोग की समग्र रचना काल पुरुष के अधीन है, क्योंकि कृष्ण जी भी निरंजन के अवतार थे। बंधुओं, निराकार जय वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने, तिनकर सुत आहे त्रिदेवा, सब जग करे ताहे की सेवा। उन्हीं के पुत्र ही त्रिदेव हैं निरंजन के, सब जग उन्हीं की सेवा में है। त्रिगुण जाल में जगत फंदाना, गहन अविचल पुरुष पुराना। इस तरह ये संपूर्ण संसार इसी भक्ति में उलझाए का कि परम पुरुष को कोई भी नहीं जान रहा है। जाकर ई जग भक्त कराई, अंतकाल जीव को धर खाई। कह रहे हैं ये जिसकी भक्ति कर रहा है अंतकाल में यही उसको खा जाता है। सबे जीव सतपुरुष के आई, यम दे धोख फंदाई स्थाई। साहब कह रहे हैं ये समस्त जीव परम पुरुष के हैं, लेकिन काल पुरुष ने सबको भ्रम में डाल करके फंदाया हुआ है। प्रथम भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन कहलाई। दूसर कला काल पंधारा, धर अवतार असुर संगारा, जीवन बहु विदकीन पुकारा, रक्षा कर बहु करे पुकारा। जीव जाने या धनी हमारा, दे विश्वास पुन करे धरे अवतारा, प्रभुता देख किन विश्वासा, अंतकाल पुन करे निराशा। इस तरह लोगों ने सोचा यही हमारे रक्षक। कबीर साहब ने बड़ा साफ साफ कहा, जो रक्षक तह चिन्हत नाई, जो भक्षक तह ध्यान लगाई। इस तरह त्रिकाल में जितने भी पीर पैगंबर ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध साधक खट दर्शन सब काल पुरुष में तक भक्ति किए। जाए निरंजन माहे समाए, आगे का कोई भेद न पाए। और काल पुरुष का पूरा राज्य शरीर के अंदर है। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है कर्तारा। मन के रूप के विषय में मैंने कई बार बोला है, इसलिए मन की ये विराट शक्तियां इंसान के अंदर में समाई हुई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बड़ी बड़े तपस्वियों ने इनको नियंत्रित नहीं किया, ये काबू भी नहीं आएंगे। साहब करे यही आत्मा को बांधे हैं। आखिर आप सोचे तो सही कि शैतानी ताकत के हाथ में हम सब हैं या नहीं। ये आत्मदेव निर्लेप हैं, तत्व रहित हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, इंद्रियों से परे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हैं। ऐसा आत्मदेव नाना योनियों में भ्रमित हो रहा है, कभी चींटी कभी मक्खी कभी मच्छर, कितना कष्ट ये आत्मदेव कितना कष्ट उठा रहा है। आत्मा का दोष क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मनुष्य के अंदर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। कोई किसी को मारा, आत्मा नहीं मार रहा है, ये तो क्रोध था।
पर आत्मा की ये गलती हो रही है, आत्मा इनको समझ नहीं पा रही है। इनके कहने के अनुसार शक्तियाँ, आखिर ये विरोधी सत्ताएं किसने पैदा की? ये परम पुरुष की नहीं, ये निरंजन की शक्ति से उत्पन्न हुई। जैसे आपने एक बेटा पैदा किया, आप अच्छे हैं, आपका बेटा शरारती और शैतान हो सकता है, उत्पाती हो सकता है, इस तरह सत्पुरुष के 16 पुत्रों में से निरंजन क्रूर हुआ, इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड उसने तपस्या करके लिया है। इसमें जो भी आत्मा है वो काल पुरुष के अधीन है, सयाद के काबू में है सब जीव बिचारे। इसलिए साहब ने एक देश की बात कही, सतलोक की, तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा, तीन लोक पड़ले तराई, चौथा लोक अमर है भाई, तीन लोक में जो कुछ आए काल निरंजन सबको डाए, संतो सो निज देश हमारा। चार मुक्तियों के स्थान भी निरंजन की सीमा के अंदर आते हैं। फिर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जइयो भाग। इसलिए संतत्व की धारा के तथ्य लोगों ने नहीं बोले। आजकल सत्संगों कथाओं आदि का स्तर क्या हो गया है, आओ मैं बताता हूँ। तत्व की तरफ कोई नहीं बोल रहा है, घिसी पिटी चीज़ें हो रही हैं सभी। आप तमाम प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं, भक्ति चैनलों में भी देख रहे हैं, स्तर क्या हो गया है। एक आध किस्सा सुना देंगे, फिर एक आध अंग्रेजी का सेंटेंस बोलेंगे जरूर, करीब करीब शैली एक जैसी चल रही है, फिर एक आध संस्कृत का श्लोक भी बोलेंगे, फिर एक आध कोई वृतांत भी बताएंगे, फिर एक आध दवा का फार्मूला बता देंगे, फिर एक आध व्यायाम बता देंगे कोई, फिर एक आध भजन होगा, फिर एक आध चुटकुला होगा, फिर कहेंगे भाइयों अब उठना है, सबने नाचना है, और सब नाचने गाने लग जाएंगे। ये स्तर रह गया है। साहेब अपनी वाणी में कह रहे हैं, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए जटा बढ़ाए, भक्ति न होए घंट बजाए, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए रोए गाए, मन ही रोए मन ही गाए, मन ही नाचे मन ही गाए, ऐसे साहेब मानत नहीं। आज ये स्तर हो गया है, आप कहीं भी जाकर देखना यही स्तर मिलेगा। तत्व ज्ञान पर लोग जा ही नहीं रहे, इसलिए साहेब ने आकर के पहली बात ये कही, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी है काल पुरुष के दायरे में और सभी जन्म मरण के क्रम में महान संताप और दुख को प्राप्त कर रहे हैं। जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन, इस ब्रह्मांड का हर एक आदमी बंधा हुआ है। साहब ने आकर के जीव को सतर्क किया, उस देश की बात कही, आकर फिर ये जीव मुक्त कैसे हो, सूत्र दिया, भव सागर का पार, नाम बिना पावे नहीं। वाह भाई, नाम का प्रचलन किया। साहब ने आकर के नाम की महिमा कही। रविदास जी ने भी अपनी वाणी में एक शब्द कहा, सतयुग सत्रेता तप है द्वापर पूजा चार, कल में ये सब नाम बने कली केवल नाम आधार। कली में ये जीव नाम से ही पार होगा, सतयुग में सत्य से। गोस्वामी जी ने इस सत्य को, इस तथ्य को इंगित किया रामायण में, कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरव पारा, ब्रह्म रामते नाम बर बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश जीव जान। इस संसार सागर से पार होने का सूत्र ही नाम दिया। अब दुनिया फिर नाम नाम भी करने लग गई, नहीं यहाँ साहब सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। बोला दुनिया नाम नाम कह रही, वो नाम ये नहीं है, फिर कैसा नाम है? लिखा न जाए पढ़ा न जाई, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकस समझावे। वह इसका मतलब ये नाम ये नहीं है, एक शब्द में बड़ा सटीक उदाहरण दे रहे हैं। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त हैं बूझे बिरला कोए, वो नाम गुप्त है, वो ऐसे नहीं पता चल सकता है। आखिर ये नाम कैसे पार करेगा भाई? ये सजीव हैं, जब ये नाम के अंदर रोशनी होती है ये चैतन्य है, ये नाम की ताकत बताती चलेगी, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये बुद्धि है, ये छल है, ये माया का जाल है, ये कपट है, ये काम है, ये क्रोध है, सावधान रहना, ये मोह है,
वाह भाई, ये नाम की ताकत से पता चलेगा, बिना नहीं, नाम के बिना नहीं होगा, इसका पता नहीं आएगा। अगर कोई करोड़ों भी कोशिश करे तो नाम के बिना दिल शुद्ध नहीं हो सकता। पकड़ कर नाम का झाड़ू, सफा कर हुजर ऐ दिल को, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। जब ये जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास, सखीरी में तो नाम रत्न धन पाए। ये अकह नाम गुरबिन नहीं पावे। जब ये नाम की चैतन्यता आएगी तभी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, क्योंकि इसके बिना ये अंदर के दुश्मन दिख ही नहीं पाएंगे। ये दुश्मन तगड़े तगड़े हैं, क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े शत्रु हैं। इनके बीच में आत्मा गिरी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। ये नाम फिर कैसा है? ये जीव इस संसार सागर से नाम के बिना पार ही नहीं होगा। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, ये फिर कैसा नाम है? ये नाम वो अल्फाज नहीं है, ये नाम एक दिव्य चेतन सत्ता है जो हर एक इंसान के अंदर है। ये नाम क्या करेगा? नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांग करे जो कोई। ये आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बंधी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विकार शरीर में है। पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञानेन्द्रियां, चार अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियों के बीच में आत्मदेव भूला हुआ है। आत्मा का पता नहीं चल रहा है और इन सब ने आत्म तत्व को घेरा है। ये बड़े प्रबल शत्रु है। पर और ये देखने को भी मिलता है, बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तपस्या की पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को नहीं जीत पाए। ये नाम जीवित है, हर एक के अंदर एक ऊर्जा ताकत है, इसको कहा है नाम। ये नाम वाणी में वाला नहीं है। गुप्त नाम कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सतगुरु कोई ना ही पाई। साहब वाणी में इस नाम की महिमा में कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है जाने बिरला कोए, जब लग सार नाम ना पावे तब लग जीव वह भटका खाए। ये नाम की महिमा गोस्वामी जी ने भी कही, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिया महर्षि जी जान। ब्रह्म और राम से भी नाम बड़ा, ये कैसा नाम है? आइए ये नाम क्या करता है। हर आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन है। ये शत्रु जब आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। महान तपस्वी पराशर कामातुर हुआ, मच्छोदरी के साथ में संभोग कर बैठा। चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी के साथ में संभोग कर लिया। यानी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रबल शत्रु है और ताकतवर है, किसी भी तपस्या से काबू नहीं आएंगे। पर नाम होए तो समझ में आने लगते, तब ये दिखते हैं। ये काबू क्यों नहीं आते? ये दिखाई नहीं देते हैं, चुपचाप आकर अपना काम कर देते हैं। क्रोध भी काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, काम से क्रोध बहुत प्रचंड है। देखिए महान ऋषि भृगु 60,000 साल तपस्या किया और 3,00,000 साल भृगु ऋषि संसार में रहे थे सतयुग में। क्रोध आया, विष्णु जी के सीने में खींचकर लात मारी। इस तरह पता चलता है दुर्वासा जी कृष्ण के गुरु थे। क्रोध आया, कई बार क्रोध आया। कपिल मुनि को क्रोध आया, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उन्हीं के कल्याण के लिए फिर भागीरथ गंगा जी को लाए थे तप करके। अर्थात ये क्रोध भी बड़ा शत्रु, ये सब अंदर रह रहे हैं, इसलिए आत्मदेव उलझा हुआ है। इन सब के बीच में आत्मा बंधी है। चाहे आदमी कितना भी तप करे, कितनी भी यात्राएं करे, कितने भी तीर्थ करे, कितना भी मत्था मारे, कितना भी रटारंभ करे, ये शत्रु काबू नहीं आएंगे। साहब ने एक बात बड़ी प्यारी कही, माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ हैं सब पानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, ओ साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।